की जनता के कुछ सवाल है नहीं इसी से जनता के नाम पे अभी सब पूछेंगे उनका ये पूछना है कि बड़ी बड़ी डीलिंग में आप बार्गेनिंग करते ही हैं कभी आप ज्वेलरी लेने गए हो एक्स्ट्रा डिब्बी मांगी कभी आपने क्या सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांगा है हाँ जी बिल्कुल ये तो हक है हमारा हम हिंदुस्तानी है ज्वेलरी की फ्री डिब्बिया फ्री धनिया फ्री हरी मिर्च ये तो हमें चाहिए चाहिए इतना पैसा कमा के भी धनिया गरीब का जरूर लेना है आपने ओके आपको बहुत सारे गिफ्ट यार दोस्त रिलेटिव्स शादी बर्थडे पे आते होंगे कभी आपने किसी का गिफ्ट आपने देखा होगा यार ये तो बहुत है हमारे पास आगे किसी को चिपकाया हाँ हाँ घर तो बहुत कर है कल इन्होंने जब शो इन्होंने मुझे कल गिफ्ट दिया था वो परसों इन्होंने इनको दिया था अच्छा कभी आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और कोई स्ट्रेंजर आपके साथ बैठा है कोई और ही कंट्री का उसको शो ऑफ करने के लिए आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया किसी यू आर वेयरिंग दिस ग्लासेस दिस इज माय कंपनी ऐसे करते हैं रोज करते हैं शो ऑफ तो नहीं पर हां बताया है तो फिर मैं वो क्या अमन का एग्जांपल देती हूं ये मॉल गए थे घूमने के लिए तो पहले एक दो लोग आए इनको इन्होंने बोला कि हम आपको जानते हैं आप शार्क टैंक पे आ रहे हैं फिर 15 मिनट बाद कोई नहीं आया तो इन्होंने अपना ऐसे फोन निकाल के मास्क उतार के घूमना शुरू कर दिया अच्छा कि मैं मास्क उतार के घूमूंगा तो लोग मेरी शक्ल देख पाएंगे मुझे जानेंगे तो 15-20 मिनट के बाद कोई आया तो नहीं ऑटोग्राफ लेने पुलिस जरूर आ गई चालान करने के आप मास्क नहीं पहनो और ये हुआ है ये परसों ही हुआ है एयरपोर्ट पे कभी अब तो नहीं खैर पहले कभी आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आया बैंक अकाउंट बंद कर दिया था किसी बैंक ने किसी बैंक ने अच्छा आपके साथ भी ऐसा हुआ ओनली नमिता के साथ नहीं हुआ मेरे थोड़े बहुत शेयर पड़े थे अकाउंट में तो वो सारे बेच के अकाउंट बंद कर दिए अच्छा पैसे ही नहीं मिले उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया फिर करना ही वाओ क्या बात मेरी मेरी वाइफ तो मेरे को बोलती है अपना पोस्टपेड का कनेक्शन प्रीपेड का करा लो सस्ता पड़ेगा अच्छा आप करोड़ों का बिजनेस करते हो तो घर में जब कोई एक्स्ट्रा बल्ब जल रहा हो तो आप उठ के बंद करने जाते हो हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करते तो मम्मी से थप्पड़ भी पड़ता है अच्छी बात है मेरी वाइफ तो बोलती है फिर बिजली का बिल आएगा ज्यादा देख लेना लाइफ में कभी मार्केट से किसी प्रोडक्ट की सेकंड कॉपी खरीदी आपने हाँ फर्स्ट कॉपी बिल्कुल खरीदी लाइक द ऑनेस्ट रिप्लाई फर्स्ट कॉपी सच है फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बीवी मारती पकड़ अच्छा आप सब हमारे यूथ को अगर एक एक लाइन में अगर आप कुछ बोलना चाहें कोई ऐसे मैसेज देना चाहें क्या देना चाहेंगे आप देखो सिंपल सी बात है अगर आप बड़ा सोचोगे और आप में जुनून जज्बा और जायदाद पर ये बात क्यों बोली आपने जायदाद ये इनका ना एक ये इनका एक स्टाइल है जो ये स्टाइल से बोलते हैं ना ये सारे जो एक साथ निकाल इनका डायलॉग हम मार सकते हैं बोलने दो इन्हें ये सारे जो जोश जुनून जज्बा जायदाद एक साथ सारे जो निकाल देते हैं आपको धीरे धीरे लग रहा होगा आज बहुत कम बोले बोलने दो इन्हें आप बोलो अनुपम फिर क्या और क्या अभी क्या बोले इसके आप बाकी तो समझ ही गए पूरा कर रहे हैं हाँ तो आप काम करोगे तो जायदाद तो बननी है वो सही कह रहे हैं कि जो बड़ा सोचते हैं ना आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं और इतने यू नो सपोर्ट है जैसे शार्क टैंक का सपोर्ट है इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है ये पहले नहीं होता था तो अगर आप बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा कर सकते हो और एक और चीज है कि यू नो जब सोचते हैं जरूरी नहीं है वो पूरा होगा जैसे इन्होंने कटरीना के बारे में सोचा पूरा नहीं हुआ ना जरूरी नहीं है वो सोच पूरी हो अगर आप पूरी वो कहते हैं ना पूरी शिद्दत से सोचेंगे तो जरूर पूरा होगा कहने का मतलब है कि सोचो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने का भी सोचो और करो भी किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं की जा सकती स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा कहने का मतलब कपिल आपने जी सर आपने एग्जीक्यूशन की बात करी मेरे को एक दिमाग में चीज आ रही थी आपकी एग्जीक्यूशन भी कमाल की है वैसे कि फर्स्ट कोविड लॉकडाउन हुआ तो आपका फर्स्ट बेबी हो गया सेकेंड कोविड लॉकडाउन हुआ तो सेकेंड बेबी हो गया जी तो आपकी जो शर्ट पे ये ऑफ का बटन है ये बीवी ने लगाया है नसबंदी केंद्र वाले ने क्या बात है ग्रोवर साहब
मैं सोनी साहब से बात करना चाहता हूँ. अश्नीर, अश्नीर, परमीत बहुत खुश होंगे ये सुनकर. आपने कहा था ना हमारा बंदा सीरियस रहता है. हो गया ठीक. क्या बात है ग्रोवर साहब, बड़ा ऑब्जर्व करके पंचवा रहा है. हेलो जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है. क्या देंगे आप? ये पूछते हैं क्या लोगे आप. यार तुम्हें लगता है कि मैं उनको कुछ दे सकता हूँ? सर माई सेल्फ. उनको नहीं जाना चल दबाओ. माई सेल्फ, माई सेल्फ कहाँ तेरे आगे लग गया यार. उनको नहीं जानना, लेकिन मैंने तो बताना है ना. अभी वो शो करके घर जाएंगे, उनके बच्चे पूछेंगे पापा आप चंदू अंकल से नहीं मिल गया, तो वो क्या जवाब देंगे? सर मैम, माय सेल्फ इज चंदू एंटरप्रेनर. चंदू चंदू द एंटरप्रेनर. क्या एंटरप्रेनर के स्पेलिंग हो जाए थोड़े थोड़े. तुम ना मेरे इंग्लिश के टीचर बन जाते हो हर बात पे. कुछ भी बोलता हूँ मैं स्पेलिंग सुनाओ इसके. इसको मैंने बचपन में बताया, मैंने कहा यार मैं बड़ा होकर ना मेरा सपना है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं. कहता एस्ट्रोनॉट का स्पेलिंग बताओ. मैंने सपना ही चेंज कर दिया. फिर आप क्या बने? मेरे को टी के स्पेलिंग आते थे, फिर मैंने चाय का काम खोल लिया. तो टी के स्पेलिंग गेस्ट को भी सुना दो. टी के स्पेलिंग, टी के कौन सा स्पेलिंग हो रहा है? टी के स्पेलिंग टी. अगर इसके भी स्पेलिंग होते तो फिर नहीं, फिर तो मैं पॉमिग्रेनेट का काम ना करता. किसका? किसका पॉमिग्रेनेट का स्पेलिंग बताने में भी आलसी आदमी. बड़ा आलसी है, सारा दिन सोता रहता है. आप अभी इसका जैकेट उतार के देख लो, बेडशीट छपी हुई इसकी पीठ पे. इतना आलसी आदमी है ये. देखो सर, सपने पूरे हो ना हो, नींद तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं? इतने बड़े लोग आए, कोई ढंग की बात कर. मफलर पहन के आ गया तू. हमने तो वैसे ही पहाड़ बनाए कि टीवी पे अच्छा लगता है. ठंड थोड़ी है, उतार इसको. ठंड है, हैं? ठंड है. आप फिर लातों में मफलर पहन. मैं ये आपको बताता हूँ, माइसेल्फ इज क्या myself? ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं इकलौता सीईओ हूं. सीईओ के फुल फॉर्म हो जाए. यार तुम मुझे ये बताओ, कभी स्पेलिंग पूछते हो, कभी फुल फॉर्म पूछते हो, तुम क्या सीखना चाहते हो मुझसे? हाँ? यार हाथ धो दिए. अरे बैठ के बात कर. ये देखिए बैठ के बात कुछ नहीं कहते. वो अमीर है, अच्छे हैं वो. मेरी ये दुकान है जी, बहुत बड़ी. आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी अच्छी टर्नओवर है जी. हाँ बड़ी टर्नओवर है इसकी. आपको पता है, कोई ये आइडिया सुनाता ना, कस्टमर वापस टर्न हो जाते हैं. कहते इसका ओवर होता है. ओए चूहे मारने वाली दवाई तो तेरे पास है नहीं. मैं मांगने गया तो चूहे खुद आ कहते कहते इसके पास होती तो हमें ना कुछ करता. नहीं सर मैं तेरे पास इतना अच्छा मफलर है, अपना गला क्यों नहीं घोट लेता? इग्नोर करो ये बंदा ना, मेरे ना वार्डरोब से ये बड़ा जेलस करता है. मुझे इग्नोर करो, इसके साथ बिजनेस करो आप. मैं आपको बताता हूँ जी, एक्चुअली चक्कर पता क्या. अच्छा वो वाला आइडिया सुना जो आप तूने बनाया था, वो चूहे वाला, भागते भागते कुत्ते को चड्डी पहनाने वाला. कुत्ते को चड्डी पहनाने वाला. इसके घर उस दिन बिल्ली आ गई. हाँ. वो एक गिलास दूध पी गई, इसने उसका दो गिलास निकाल लिया. मैं जब तक लग नहीं जाते मैंने बोलते रहना. चूहे उधर बेचारे बैठे हैं. अभी मैं अगली बात बोलूं. चूहे वाली बात था. चूहे वाली दवाई तेरे पास क्यों नहीं थी? मैं उस दिन गया जब. चक्कर पता क्या सर, मैं एनिमल लवर हूँ. मैं नहीं ऐसे काम करता. जैसे लोग डॉग पालते हैं, वैसे मैंने रैट पाले हुए हैं. डॉग मैं इसलिए नहीं पालता क्योंकि मैंने कहावत सुनी है, ट्रीट अ डॉग लाइक अ डॉग, अदरवाइज डॉग विल ट्रीट यू लाइक अ डॉग. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.